हेलो गाइस, आज हम आपको प्रेस एलिमेंट जो फ्लांचा मॉडल प्रेस है ये इसका एलिमेंट चेंज करना सिखाएंगे। ये ऐसी खोल लेनी है और एलिमेंट पुराना निकाल लेना है, नया एलिमेंट इस तरह से लगाना है और एलिमेंट के नीचे अपना एक एक्स्ट्रा पत्ता लगा लें जिससे अर्थ नहीं बनेगा, और इस तरह सेट करें, अच्छी तरह सेट करें। थर्मोस्टेट की जो नट है उसको बीच में सेंटर जो सेंटर का हो पहले ही सेट कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखो, इस तरह सेट करना है। ये जो बीच का नट है इसको अच्छी तरह सेटिंग रखनी है। ये बीच का जो नट है इस तरह, और एलिमेंट नट जो है हमारे वाशर लगा के अच्छी तरह टाइट रखने हैं। ये नट कभी भी लूज ना छोड़ें वरना एलिमेंट जल्दी फूकेगा। ये पूरे गोटी या चाबी से अच्छी तरह नट टाइट करें। ये देख लो 80% ये गोटी से अच्छी तरह टाइट करना है। ये नट कभी भी लूज ना छोड़ें वरना एलिमेंट जल्दी फूकेगा। अगर ये नट लूज रहेगा तो तीनों नट सेंटर से अच्छी तरह टाइट करें एक एक बार करके, और थर्मोस्टेट को अपना पत्थर और नट लगा के अच्छी तरह टाइट कर दें। थर्मोस्टेट की सेटिंग कर लें अच्छी तरह से ऐसे। थर्मोस्टेट का नट अच्छी तरह टाइट करें और इसको देखते रहें, ज़्यादा भी टाइट ना करें, अपना सेंटर लगा के उस हिसाब से टाइट करें ताकि पता चलता रहे कि पॉइंट कितना लगा है। ये देखें, ऐसे सेटिंग रखें इसको इस तरह से। ये पहले इसको सेट कर लें। ये गिट्टी होती फ्लांचा मॉडल में, बगैर गिट्टी के सेट ना करें वरना ये काम नहीं करेगी। ऊपर वाली गिट्टी बहुत ध्यान से सेट करनी है और एलिमेंट के नट लगा दें थर्मोस्टेट के अंदर। बिल्कुल बारीक नट होते हैं, उसको ध्यान से लगाएं। ये इस तरह, हाँ, ये नट थर्मोस्टेट में अच्छी तरह टाइट करें। ये एलिमेंट के नट हैं, इनको कभी ना भूलें और ध्यान रखें ये बॉडी के साथ अर्थ ना हो। पत्ती का अच्छी तरह से ध्यान रखें, ये अर्थ हो गए तो हमारी प्रेस करंट मारने लगेगी। ये पत्ती अच्छी तरह सेट करें वरना ये करंट मारेगी। पूरा ध्यान रखें इस साइड से पत्तियों का। ये ऐसे सेट करके अपनी सेटिंग पे छोड़ लें, क्योंकि ये ऑन ऑफ सही तरीके से होना चाहिए। ऑन ऑफ का निशान ऊपर नोब के ऊपर होता है। ये पूरी तरह ध्यान दे के तभी सेट करें इसको।
अगर ये सेटिंग ना आए तो ऊपर से ये प्लास्टिक की वाइट पट्टी है जो, इसको निकाल के सेट कर दें ये इस तरह से। ये ऐसे ये वाइट पट्टी निकाल ली। अब इसको हैंडल को उतार लें। कई दफ़ा इन ब्रशों में ये उतारनी पड़ती है, कई दफ़ा वैसे ही सेट हो जाते हैं इस तरह से। ये निकाल लें, ये नोब निकाल लें। ये जो काला गुटका है नीचे से आया हुआ है, इसको अच्छी तरह सेट करें। इस गुटके को जो अब लगा रहे हैं, इस गुटके को अच्छी तरह सेट करें ऐसे। और नट सेट करके बीच के पहले सेंटर के नट टाइट कर लें। अब नट पूरी तरह टाइट करें। अब इसमें नॉब डाल के देखते हैं, अब सेटिंग बनेगी अच्छी तरह बनेगी ऐसे। ये सेटिंग ये देख ले घुमा के अच्छी तरह, ये लगी है या नहीं लगी है। नट अच्छी तरह टाइट कर दें। अब इसको सेट करते हैं। ये देखिए दो नट ऊपर के हैं। ये प्रेस न्यू मॉडल है और ये सभी को पता नहीं होता ये नट यहाँ होते हैं, कवर के नीचे लगाए होते हैं प्रेसों में। ये ध्यान रखो, अब इसका कवर लगा दे ऐसे। अब जो इसके पॉइंट दिए गए हैं, वायर दी गई है, इसमें अच्छी तरह वायर लगा दें। इंडिकेटर ध्यान रखें, इंडिकेटर बहुत ज़रूरी है लगाना, वरना ऐसे पता नहीं चलेगा हमारी प्रेस में ये गर्म हो रही है या नहीं हो रही। इंडिकेटर के हमारे दो पॉइंट होते हैं साइड साइड वाले, ध्यान रखना अपने दो पॉइंट साइड साइड वाले में इंडिकेटर लगना होता है, कभी भी बीच वाले पॉइंट में इंडिकेटर नहीं लगता। इस तरह लगाओ। अब इसको है ना इंडिकेटर की तरफ, शीशे की तरफ सेट कर दो। अब प्रेस तैयार है हमारी, टेस्टिंग के लिए तैयार है। ये देखिए देखिए ये टेस्टिंग करने लग रहे हैं अभी। ये देखना अब ये बिल्कुल पत्ती कवर लगा के पूरी तरह तैयार हो चुकी है। देख इसमें आपको एलिमेंट डालना सिखाया है और अच्छी तरह डल चुका है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और